सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बहुत पूरी मशक्कत के साथ काम करने के बाद जो है ना, ये सुपा को मजबूत करने वाला, बांधने वाला लेवी आज अभी जो है ना रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है। दो ठो अभी मैं बना के रखा हूँ और बहुत ज़्यादा भी इसको बनाना है। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अर्जुन और आप सभी का हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि लीवी कैसे बनाते हैं। लीवी उसको बोलते हैं जो सुपा को बनाने में काम आता है, मतलब सुपा को मजबूत करने में काम आता है। सुपा को जो है ना बांधते हैं उस लीवी से। तो ये बांस, ये जो बम्बू है, इसको हम फाड़ रहा हूँ। इस तरह से मैं फाड़ रहा हूँ इसको। और ये जो इस तरफ नीचे साइड का जो पार्ट है, ये इसको अखिया बोला जाता है, इसको निकाल देंगे बाहर। तो इस तरह से फाड़ लेता हूँ क्योंकि इसको फाड़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से ये देख सकते हैं, इस तरह से फाड़ लेता हूँ इसको। उसके बाद में जो है ना आगे का प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं और कितना टाइम लगता है, सभी को जो है ना आगे वीडियो में अब मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड, हमने ये कम्प्लीटली फाड़ चुके हैं और सभी को काट लिए हैं नाप जोक के। तो अभी हम इसको छीलेंगे, ऊपर का ये जो गेट होता है इसको ऐसे इस तरह से बाहर निकाल देंगे और अब हम इसको साफ करेंगे, मतलब कि प्लेन करना है इसको पूरी तरह से। इस तरह से जो है ना प्लेन करेंगे दोनों तरफ, इस तरह से जो है ना करके थोड़ा साइज को रखेंगे, अच्छी तरह से साइज बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा फिर भी से नहीं बनेगा और ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर भी से नहीं बनेगा, छोटा हो जाएगा फिर भी से। इसलिए इसको पूरी तरह से इस तरह से साइज करना है बम्बू को छोल के, और इसको अच्छी तरह से छोलना है ताकि कोई भी जो है ना खरोंच ना रहे, कोई भी कांटा इसमें ना बचे। इसलिए जो है ना पूरी तरह से साफ इसको छोलना है इस तरह से। तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इसको हम इस तरह से जो है ना साफ कर रहे हैं और ये बीच में है, इस तरह से इसको जो है ना इस तरह से बनाएंगे, सम करेंगे। इसको प्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो है ना ये बन पाता है। और ये बहुत मोटा है, इसको प्लेन करके करते करते जो है ना इसको हम पतला कर देंगे, तभी जो है ना ये मतलब कि परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं पूरी जो है ना इस तरह इसको बड़े बड़े छुरी, दो तीन ठो छुरी लगता है, छुरी बन के चाकू बोल सकते हैं आप, तो दो तीन ठो लगता है अलग अलग साइज का, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग साइज का जो है ना इसको रखना पड़ता है। जो बड़ा साइज का है वो जो गेंट होता है ना उसको जो है ना छीलने के काम आता है, क्योंकि छोटा में वो नहीं बन पाता है, इसलिए जो है ना। और ये जो एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना धार है, मतलब कि धारदार छुरी है, और दूसरा जो है ना और एक ठो है वो कम धारदार छुरी है, और ये जो बड़ा वाला है ये इसको जो है ज़ोर से मारने का काम आता है। तो सो फ्रेंड, इस तरह से जो है ना इस लिप तो जो है ना ये मजबूती उसका बना रहे, इसलिए थोड़ा हल्का सा इसको मोटा।
हमारी वीडियो में नए हैं तो इसमें जितना भी जो है ना धार टाइप का है ना चारकोन जो धार होता है वो सभी निकल जाए इस ताकि बांधने में सूपा को बांधने में बहुत ही आसानी हो जाता है इस तरह से कर देने से। तो हम कर लेंगे, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, एक ठोकर बनाने में कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है। और इसको जो है ना 50-60 ठोक बनाना पड़ता है तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो फ्रेंड कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो मेहनत का फल है वो हमें मिल जाए। धन्यवाद। सो फ्रेंड अभी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड अभी बढ़ चुका है हम लोग के इस तरफ, वैसे तो सभी जगह ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि कहीं कहीं के तो ओले बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं हम लोग के इलाके में, तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सुबह टाइम तो काम करना बनता ही नहीं है, 7-8 बजे, 7 बजे तो बिल्कुल नहीं मिलता, 8 बजे से इस तरफ ही जो है ना अगर फ्रेंड आप देख सकते हैं पूरा तकरीबन ये रेडी ही हो चुका है। अब इसको हम नवाएंगे, मतलब कि इसको गोल टाइप का बनाते हैं ना उस तरह से बनाएंगे, पूरा पतला कर दिए हैं इस तरह से, पूरा छील के रेडी कर दिए हैं इसको। इस तरह से नवाना पड़ता है पैर के मदद से, कोहनी की जो है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसके मदद से इस तरह से इसको करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये बहुत ही टेक्निकल काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और कहीं लग गया, ये लग गया थोड़ा सा खरोच लग गया जो है इसका कांटा, तो भाई सीधा बहुत ज़्यादा दर्द देता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से भी इस काम कर को करना पड़ता है। तो फ्रेंड ये जो हमारा काम है बहुत ही मेहनती काम है और इस काम में इनकम जो है बहुत ही कम है, मेहनत और जो है ना समय बहुत ही ज़्यादा लेता है ये काम और पैसा बहुत ही कम मिलता है, काम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम पैसा मिलता है। तो यही जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका, फिर भी इसे करना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई काम है नहीं घर में गांव में, तो करना पड़ता है तो इसीलिए करते हैं। तो फ्रेंड इतना ज़्यादा जो है ना मेहनत से ये बनता है, अब देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुका है ये। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में घंटी को दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें अब तक तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।